हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो शूट करने, साथ में एंटोर्क वाले भाई आए हुए हैं और पीछे देख सकते हो मेरी स्कूटी। आज हम लोग मेरी स्कूटी में आए हुए हैं, मतलब भाई के एंटोर्क भी लाए हैं, बट सीन ये कि वो हमने एंटोर्क जो है वो ऊपर ही खड़ी कर दी है, जहाँ पे मैक्सिमम वीडियो जहाँ पे हम शूट करते हैं ऊपर ही, एंड हम उस रोड से नीचे आ चुके हैं। आज यहाँ पे इनकी मशीनें वगैरह नहीं थी तो हम लोग स्कूटी वगैरह ले आए। हमने सोचा था यार आज कुछ अलग करेंगे, नीचे जगह कोई पहाड़ वगैरह होगा, छोटी सी जगह होगी ऑफ रोड, उधर चढ़ा देंगे स्कूटी वगैरह। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं थोड़ी सी नीचे, और नीचे जाके तो देखा हमने तो इनकी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, को रोड का काम वगैरह चला हुआ है। तो हम मतलब नीचे से ऊपर आ गए और इधर एक छोटी सी जगह दिखी हमें पीछे जगह एक, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर स्कूटी को चढ़ाते हैं। बाकी गाइज यार पहले स्कूटी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को कुछ। और गाइज यार आज मैंने चश्मा नहीं लगाया, मतलब लगाया क्यों नहीं, क्योंकि मैं मतलब घर में ही भूल गया यार, आज मेरे को याद नहीं रही चश्मा लाने की। देख सकते हो यार पीछे कितनी खुली जगह है यार, मुझे काफ़ी पसंद है ऑफ रोडिंग। तो गाइस यार जाता हूँ हम ऑफ रोड वगैरह में शूट करते हैं। पहली बात तो मैंने डिस्क का पंप है वो अभी तक नहीं डलवाया है, और उसका क्या रीज़न है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जब मैं मतलब इसका इंजन ऑयल चेंज कराऊंगा, मतलब एक ही बार में मैं सारे काम कर लूँगा, डिस्क का पंप भी डलवा लूँगा और इसका जो इंजन ऑयल वगैरह वो भी कर लूँगा, एंड ब्रेक्स वगैरह भी सारी न्यू डलवा दूँगा इसमें। इधर थोड़े मतलब पेड़ वगैरह ऊपर देख सकते हो, तो इधर नीचे छाँव है, तो हमने स्कूटी वगैरह इधर लगा दी है। रिस्की लग रहा है मुझे काम, बट कर देंगे, कोई सीन नहीं ब्रो। मैं अभी आप लोगों को उस साइड का कैमरा ऑन करके पहले तो स्कूटी के बारे में बताता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो मेरी स्कूटी। सबसे पहले आप लोग इसकी डिस्क देखो यार ब्रो, ये देखो यार कितनी टाइट हो चुकी है। तो गाइस यार मुझे समझ नहीं आ रहा था ये, मतलब एक दो दिन पहले मौसम ख़राब था, उस टाइम मैं अपनी स्कूटी को लेके आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें कि मतलब मेरी पूरी ब्रेक चलते चलते छोड़ गई हुई थी। तो मैंने उसके बाद सोचा था कि यार अब मतलब ब्रेक मैं बनवाऊँगा उसके बाद ही चलाऊँगा स्कूटी को। तो गाइज मैं सीन बताता हूँ, मतलब जब जब धूप होती है तब की डिस्क काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ये देख सकते हो पहले यार ब्रेक कितनी ऊपर है, इससे ज़्यादा मतलब प्रेस हो रही नहीं है। उस दिन तो पूरा लीवर प्रेस हो जा रहा था, एंड टायर वगैरह इसका रुक रहा नहीं था, मतलब किसी और चीज़ की रबर डाली हुई थी मैंने इसमें, इसके जो पंप है उसमें। और सीन ये होता है इससे गर्मी की वजह से वो रबड़ फूल जाती है अंदर, और उस वजह से मतलब इसका ऑयल वगैरह लीक नहीं होता। एक दो दिन मतलब मौसम ऐसे मतलब क्लाउडी वेदर था, उस टाइम ब्रेक इसलिए कम लग रही थी क्योंकि सीन ये था कि अंदर रबड़ है वो अंदर सिकुड़ जाती है, क्योंकि वो इसकी ओरिजिनल रबड़ तो है नहीं इस वाले पंप की, तो वो अंदर सिकुड़ जाती है और उसकी वजह से मतलब साइड से ऑयल लीक होना स्टार्ट हो जाता है। सो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, सो यहाँ पर नेट में मतलब ऑयल हो जाता है, प्रेशर वगैरह बनता नहीं है और ब्रेक का लीवर पूरा प्रेस हो जाता है, ऑयल वगैरह लीक करता है साइड से। मुझे तो इसका यही रीज़न लग रहा है, बाकी क्या पता यार। और बाबे और क्या होगा सीन यार, इतनी टाइट ब्रेक होगी ना, स्टॉपी करने के लिए काफ़ी अच्छी ब्रेक है, बट मैं अभी रिस्क ले रहा नहीं हूँ। जब मैं पंप इसका चेंज करवाऊँगा देन उसके बाद ही मैं स्टॉपी वगैरह करूँगा। ये देख सकते हैं यार मेरा हेलमेट, पहले मैंने ये कैमरा इधर लगाया हुआ था सो आप लोगों को पता ही है, और इधर से मैंने खोल के यहाँ पर लगा दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा यार ब्रो, काफ़ी अच्छा जुगाड़ हुआ ये, और हेलमेट की लुक आप लोग देख ही सकते हो। तो बाकी यार गाइस इस वाले कैमरे का मैं यूज़ करते नहीं हूँ जो मेरा एक्शन कैमरा है, बिकॉज सीन ये है कि यार ब्रो इसमें इसमें मतलब क्वालिटी तो ठीक आती है, बट सीन ये है कि इसमें मतलब ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती है। गाइस यार अभी वीडियो वगैरह शूट करते हैं। ओए पिछला टायर देख ब्रो, फट गया। फट नहीं गया है, टायर से मिट्टी लगी हुई है। तो गाइस देख सकते हो टायर में खतरनाक मिट्टी लगी हुई है। पत्थर पत्थर बड़ी चढ़ चुरी मेरी वाह यार इधर देख सकते यार हाथ का, मैंने खुद नहीं फेंकी यार एक पत्थर आ गया बीच में। हजमत ब्रो यार, जैसे कि आपको पता है रोज मुझे गिराते, आज खुद भी गिर गया यार इधर ही, पता नहीं कैसे हो गया, नहीं गिरा इधर इधर रहा है, कहां गया पत्थर, मैंने ठुड मार दी इसको। बात का देख ला ब्रो, वीडियो में देखना, वीडियो में देखना आई पूरी पूरी यार, ये सोचा नहीं क्या होगा इतना बड़ा पत्थर था। कोई सीन नहीं ब्रो, हम जिस जो चीज बनाने हैं वही बनाएंगे, एडिटिंग तो मेरे हाथ में है ब्रो, पर मैं डालूंगा क्लिप यार, कोई सीन नहीं। आ जाओ उधर, ओए हाथ मत ब्रो यार, मेरा
इधर चढ़ाऊं ब्रो? चढ़ाओ चलो, तू तो तैयार नहीं है, तेरा तो आ जाना ब्रो, इस साइड से चढ़ाता हूं। अब देख मैं कैसे उड़ाता हूं पूरे। तरंडे चढ़ाए दे हैं, तरंडे अंदर ही नहीं होए ऊपर तो गिराने के चक्कर में। नहीं नहीं मेरी बात सुन, तू ऊपर से बनाना, मैं यहां पे बिजली उठाता हूं, ठीक है? ट्राई तो कर एक बार, या तो जाओ ऊपर सीधा। कहाँ पे? वो पहाड़ है वो जो नीचे। हाँ पक्का? तू करो आ जा, कांड रहा, आ जा बस चढ़ा दे, पीछे से देख रहा हूँ तो जान दे, क्या रख लेना, गिरना मत। चढ़ गई चढ़ गई। थोड़ा मैं सांस ले लेता हूँ ब्रो, जो मैंने गिराई थी उस साइड है। हाँ ये ताजे निशान है, गिरा इस साइड में। हाँ उस साइड गिरा था मैं, गिरा थोड़ी ऐसे आराम से। दे मैं करता हूँ थोड़ी वीडियो वगैरह कंटिन्यू। भाई ने मेरे से आज मतलब काफ़ी कांड करवाए, और मुझे तो पता ही था क्योंकि मैं इनसे करवाता हूँ कांड, और ये मेरे से करवा रहे ऐसे ऐसे काम। टेढ़ हो गया था, पत्थर आ गया था टायर में। स्कूटियों में ऑफ रोडिंग वगैरह करना काफ़ी मुश्किल होती है। ऑफ रोडिंग का वो तू अली अभी भी ब्रो ये दांत निकाल रहा है। मतलब भाई के दिल को तसल्ली मिल गई है, भाई ने मेरे से बदला ले लिया। मैं ऐसे तैरते नहीं ऐसे स्विमिंग पूल में, वैसे गिरा था मैं इधर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ब्रो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं अब आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बड़ा खुश हुआ बंदा आज मैं गिरा तो।